सर इसमें हम लोग जो पहले शुरू करेंगे थोड़ा सा अपना बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी शुरू करेंगे सर, क्योंकि बेसिक से ही फिर हम लोग आगे को निकल जाएंगे चीजों में। तो बेसिक में जब हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे ना सर चीजों को, पहले प्लैनेट्स आते हैं सर हमारे पास ना, सर हम लोगों के पास ना आपके 9 प्लैनेट हो जाते हैं सर। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र। सर ये प्लेनेट आते हैं हमारे पास सर, इनके ऊपर अगर कभी भी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा ना सर, वैदिक वाला एस्पेक्ट नहीं देखना हम लोगों ने, नेगेटिव एस्पेक्ट की सर जब भी बात आएगी, क्योंकि हम लोग एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं ठीक है सर, नेगेटिव एस्पेक्ट की जब भी बातें होंगी इधर, तो नेगेटिव एस्पेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा सर? ठीक है सर, ये नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे जिस वजह से दिक्कतें आ रही होंगी। ठीक है सर, ये एस्पेक्ट होंगे जिस वजह से हम लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी। सबसे पहला प्लेनेट लिखा है सर मैंने यहाँ पर अपना सूर्य। सर सूर्य क्या है? सूर्य है आपका फोकस, आपकी आत्मा का कारक, किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचना। आप किसी चीज पर फोकस नहीं लगा पाते हैं, बच्चे का फोकस ना इस चीज में नहीं लगा हुआ है, गलत चीजों में लगा हुआ है, संगत गलत है ठीक है ना सर, ऐसी बातें आ जाती है। फोकस इस चीज पर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सूर्य डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर, जिस वजह से दिक्कतें आ रही है। किसी भी चीज की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है, इसका मतलब सूर्य आपके चार्ट में दिक्कत में है, आत्मा का कारक है सूर्य आप। अगर इसमें किसी की प्रकार की भी दिक्कत है, ना ही आप फोकस लगा पाते हैं, ना ही किसी चीज की जड़ तक पहुंच पाते हैं, अगर आपका सूर्य चार्ट में गलत बैठा हुआ है ठीक है सर। अगला प्लेनेट होगा सर चंद्रमा। चंद्रमा सर क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है ठीक है, चंद्रमा आपका मन का कारक है। चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड, मेमोरी, याद रखने की क्षमता, बहम रहना। अगर चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट है, कई लोग पागलों की तरह व्यवहार करते हुए भी देखे जाते हैं सर। अगर चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ, तो जब भी नेगेटिव एस्पेक्ट की बात होगी, तो मैंने अभी पहले ही बताया है सर, जब भी नेगेटिव एस्पेक्ट की बात होगी, तो इसका मतलब चंद्रमा के ऊपर किसी ना किसी का नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिस वजह से चंद्रमा दिक्कत में है, याद नहीं कर पाता है व्यक्ति, मेमोरी अच्छी नहीं है व्यक्ति की, बहम रहता है व्यक्ति को, पागलों की तरह हरकतें करता है सर। माँ का कारक है, माँ को दिक्कत रहती है, इसका मतलब आपके चंद्रमा पर हिट लगी हुई है। कहने का मतलब पिता को दिक्कत रहती है, आपके सन के ऊपर दिक्कतें हैं, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कतें रहती है ठीक है ना। आगे है मंगल। मंगल है आपकी इच्छा है, ऐसी इच्छा है जो अभी आपको चाहिए, मतलब चाहिए। मंगल आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा, उस घर का काम एक बार आप करते होगे, तुरंत आपको वो चीज चाहिए। आपकी इच्छाएं पूरी होने में, बर्निंग डिजायर, इच्छाएं पूरी होने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका मतलब मंगल चार्ट में आपका डिस्टर्ब है। एक्शन लेने की बजाय आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, इसका मतलब मंगल आपके चार्ट में डिस्टर्ब है, जिस वजह से ये दिक्कतें आ जाती है। मंगल अच्छा भी है, एनर्जी भी है यहाँ पर, मंगल लड़ाई झगड़ा भी है सर। लड़ाई झगड़े के ऊपर कब काम करेगा वो? जब मंगल के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। नेगेटिव एस्पेक्ट 45, 90, 180, अगर इसी मंगल के ऊपर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा 30, 60, 120 का, तो क्या होगा सर? यही एनर्जी भी देगा, यही इसे एनर्जी भी देगा यहाँ।
अगर मंगल के ऊपर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। यही मंगल के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो यही आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। इसी मंगल के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा तो यही आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा, सुरक्षा भी यही करेगा। अगर इसी मंगल के ऊपर आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ, नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ तो किसी को नुकसान तक पहुंचा देना, कौन सा मुझे फर्क पड़ रहा है, उसके लग रही है ना, मुझे क्या फर्क है। प्रोटेक्शन भी करेगा अगर मंगल के ऊपर आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। ठीक है सर, अगला प्लेनेट है आपका जुपिटर। किस चीज का कारक है? ग्रोथ का, ग्रोथ करना, ग्रोथ में दिक्कत आ रही है। ग्रोथ की सोचते कहीं ना कहीं ग्रोथ में हमारी दिक्कत आ जाती है। क्लियरिटी ऑफ माइंड जुपिटर से देखा जाएगा हम लोगों के यहाँ पर। विजडम, गुड लक, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, आपको चीजें साफ साफ पानी की तरह दिखाई नहीं देती हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके चार्ट में जुपिटर डिस्टर्ब है। इस वजह से आपको चीजें पानी की तरह साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। ग्रोथ के रूप में अड़चन आ जाती है मेरी, जब भी आगे बढ़ने की सोचता हूँ, ग्रोथ करने की सोचता हूँ, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। इसका मतलब जुपिटर डिस्टर्ब है चार्ट में, जिस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है सर, अगला है शनि। शनि रूटीन का कारक, शनि डिसिप्लिन का कारक है, शनि ही प्रोफेशन का कारक है, ठीक है, शनि ही लेबरों का कारक है सर। इनसे संबंधित दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब ये है अपना डिसिप्लिन में आप नहीं रह पाते हैं, तो इसका मतलब तो यही है आपके शनि के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है 45, 90 या 180 का, जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहे हैं और आपको दिक्कतें आ रही है। अगर अच्छा एस्पेक्ट होगा फिर तो अच्छा ही है ना। किसका अच्छा एस्पेक्ट है, मैं किसको एक्टिव करूं कि मैं एक रूटीन में आ जाऊं, ठीक है ना सर, किसका एस्पेक्ट है उसको मैं देखूंगा यहाँ पे सर। अब इसी में हमारा अगला प्लेनेट मरकरी। सूझबूझ और समझदारी का कारक है आपका मरकरी। कई बार हमारे मरकरी पर जब भी नेगेटिव एस्पेक्ट होता है आपका 45, 90 या 180 का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो आप सूझबूझ और समझदारी से फैसला नहीं ले पाएंगे। मुझे डॉक्यूमेंट से संबंधित दिक्कतें आ जाती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मरकरी के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस वजह से आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित दिक्कतें आ जाती हैं। मुझे लैंड से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, लैंड आपका मंगल, लैंड रिलेटेड दिक्कतें आती हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके मार्स के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। बिजनेस में दिक्कतें, ट्रेडिंग में दिक्कतें आ जाती हैं, इसका मतलब आपके मर्करी के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। ये जो प्लेनेट है हम लोगों का, अगला प्लेनेट है आपका राहु। राहु क्या है सर? अटेंशन, आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं, इसका मतलब आपके चार्ट में राहु डिस्टर्ब है, इसलिए आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं। जब भी इसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ध्यान से सुनो इस बात को, आप ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे, जो बातें मैं बोल रही हूं अभी व्यक्ति कोई और काम कर रहा होगा, उसका ध्यान ही नहीं होगा। इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं, जिसका ध्यान नहीं है इसका मतलब उसका राहु डिस्टर्ब है चार्ट कहीं ना, कैसे डिस्टर्ब है, 45, 90 या 180 का एस्पेक्ट आ रहा होगा, जिस वजह से वो ध्यान नहीं लगा पा रहा होगा बातों के पीछे, जो भी हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगला प्लेनेट है हम लोगों का केतु। एस्ट्रोलॉजर के लिए जरूरी है कि आपके केतु पर किसी प्रकार की हिट ना हो। किसी प्रकार की हिट क्यों ना हो, इस वजह से ना ये जो है हो, ना, बार बार सबके सामने मत पूछा करो। हाँ मैम म्यूट करो उसके बाद बात करो। केतु, अगर आपके केतु पर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो इसका मतलब आपकी इंटेंशन सही नहीं है सामने वाले को लेकर। एग्जाम्पल के लिए केतु के ऊपर सेटन ने नेगेटिव हिट मार दिया है 45, 90, 180, काम को लेकर आपके इंटेंशन अच्छे नहीं है। वीनस ने मार दिया है, इसका मतलब वेल्थ को लेकर
आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। ठीक है सर, जिसने भी मारा है उस प्लेनेट को लेकर आपकी इंटेंशन सही नहीं है, जिस वजह से दिक्कत आती है। राहु केतु हमेशा हिट खाते हैं, दिक्कत में आते हैं, लेकिन ये हिट मारेंगे नहीं। राहु केतु हमेशा हिट खाएंगे, और इनकी एवज में जो इनके लॉर्ड होंगे, जिनकी राशि में ये बैठे होंगे, वो हिट खा रहे होंगे। इनके केस में हमें दो तीन चीजों को पकड़ना होगा। अगला प्लेनेट है मैम मेरा वीनस। वीनस क्या है? सही गलत का फर्क। अगर मेरे चार्ट में वीनस पर किसी भी प्रकार से नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आप सही गलत का फर्क नहीं कर पाते हो। सही गलत का फर्क किस लिए नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी वीनस पर एस्पेक्ट है। मंगल ने मार दिया वीनस के ऊपर 180 का हिट, तो सर क्या होगा यहाँ पर? व्यक्ति सही गलत, मंगल ने मार दिया वीनस के ऊपर हिट, गुस्से में व्यक्ति क्या बोल जाता है उसे खुद भी नहीं पता कि क्या सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं। क्योंकि मंगल अग्रेशन का कारक है सर, मंगल ने मार दिया उसको हिट, तो इस वजह से वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उसे भी नहीं पता चलता। मार्स ने यदि वीनस पर हिट मार दिया, शनि ने आपका हिट मार दिया है, वो काम को लेकर क्या बोलता है, क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ भी नहीं पता है। जो प्लेनेट मारेगा उसके एट्रीब्यूट उसमें शामिल हो जाएंगे, जिस वजह से उसको दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है ना सर? सर ये नौ प्लेनेट तक का कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करिए। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही मैडम। हाँ जी नहीं मैडम क्लियर है। अगर ठीक है। शिखा मैम नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है लेकिन नेगेटिव प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है तो हाँ भी यही बिल्कुल, तो प्रॉब्लम। भी यही दिक्कत आएगी। नेगेटिव प्लेनेट जैसे मतलब उसका दुश्मन जैसे मार्स सैटर्न के साथ बैठा ना, तो भी दिक्कत है आ गई ना ना। मैम। कंजंक्शन हाँ दिक्कत कंजंक्शन है आ गई ना, एस्पेक्ट नहीं है लेकिन कंजंक्शन है, मैडम। मंगल इस वजह केतु के साथ पॉजिटिव होता नेगेटिव सर नेगेटिव ही आएगा। तो क्या इंटेंसिटी इससे बढ़ जाएगी गुस्से की या कम हो जाएगी? गुस्से में ना कहीं कभी कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब सर ऐसा बोल दूंगी मैं यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए। और लेकिन ये मैडम कहीं हमारा सर्जरी का योग है सर। ठीक मैम है इसमें सर, प्रिडिक्शन क्या बनती है? मतलब जैसे आपने एक तो सर्जरी बता दिया और क्या होता है? मैं मंगल है, एक्सीडेंट तक भी दे सकता है। और ठीक मार्स है, सैटर्न मार्स क्या है मैम? मार्स भी देखा जाए तो एक्सीडेंट है, और क्या मैम? गुस्सा है, ये गुस्सा गुस्सा है कहाँ निकलता है? प्रोफेशन पर निकलता है, जिस वजह से प्रोफेशन में दिक्कतें आ जाती और मंगल केतु है मैडम कहाँ है। मंगल इंटेंशन पे। इंटेंशन, व्यक्ति ना सर करने के लिए सही जाता है लेकिन मुंह से ना गलत बातें निकल जाती हैं, जिस वजह से इसकी बातें लोगों को गलत लग जाती है। ठीक है, व्यक्ति अगर कुछ बोलेगा ना गुस्से में कुछ बोलेगा तो लोग सही नहीं लेते उस बात को, मंगल केतु। ठीक है ना सर? और कोई क्वेश्चन सर मैम आपका? नहीं मैडम ये नौ प्लेनेट है, आगे इनको कैसे करना है आगे जानेंगे, अभी तो फिलहाल इतना ही, थोड़ा सा बस ये नौ प्लेनेट की जानकारी थी। आगे इसी में मैम जब हम लोगों का आता है, हमारे 12 घर आ जाते हैं। ये नौ प्लेनेट थे, 12 घर। 12 घरों पर जब भी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट यही चलेंगे हमारे, पॉजिटिव एस्पेक्ट यही चलेंगे हम लोगों। अगर इन पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो हमें उस चीज की दिक्कतें आ जाएंगी। सबसे पहले आ जाता है हम लोगों का फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस पूरे तरीके से आप है, आपका एटीट्यूड है। हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी आप फर्स्ट हाउस को देखेंगे। जब भी कोई बात आएगी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है बीमारी नहीं जा रही है छटा, जब भी, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि बीमार कौन है? व्यक्ति खुद बीमार है, इसलिए हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी तो हम लोग फर्स्ट हाउस को देखेंगे। फर्स्ट हाउस पर जिस प्लेनेट का नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है वो चीजें ज्यादा हो रही है, इस वजह से व्यक्ति को दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ में उसकी दिक्कतें आ रही हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट जिस प्लेनेट का है उस वजह से व्यक्ति को यहाँ दिक्कतें आ रही है। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस है आपका वेल्थ, सेकेंड हाउस है आपका खान पान,
सेकंड हाउस है आपका स्पीच। सेकंड हाउस पर आपका नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो कहां पर दिक्कत आने वाली है? आपकी वेल्थ में दिक्कत आने वाली है। सेकंड हाउस पर एग्जाम्पल के लिए मंगल का हिट हो गया सर आपका 90 या 180 का, क्या होगा सर? व्यक्ति बोलता गलत होगा या व्यक्ति तीखा ज्यादा खाता होगा या व्यक्ति बोलता सही है लेकिन उसका बोलना लोगों को गलत लग जाता होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट है, सेविंग्स नहीं हो रही है। तुम गाली देकर बात करते हो क्या? मंगल है ना, लड़ाई झगड़ा भी, तुम गाली देकर बात करते हो क्या? इस वजह से दिक्कतें आती है। नहीं, मैं नहीं देता हूं कभी भी गाली, मैं इस तरीके से बात नहीं करता। आप तीखा ज्यादा खाते हैं क्या? ये चीज है। नहीं तो यहाँ पर ब्रदर के साथ में तुम्हारा कैसा संबंध है? मंगल ब्रदर है ना सर, ब्रदर के साथ में तुम्हारा कैसा रिलेशन है जिस वजह से सामने वाले को दिक्कतें आ रही होंगी? ठीक है सर, मैडम जुपिटर का है तो जुपिटर का नेगेटिव है। गुरु कौन है सर? अपने गुरु को आदर देकर बात करते हो क्या? गुरु कंपनी में बॉस भी हो सकता। बिल्कुल हो सकता है सर, हो सकता है, बिल्कुल। अपने से बड़ा, अपने से बड़ा गुरु को आदर देकर बात करते हो क्या? रिस्पेक्टफुली बात करते हो उनसे? मंदिर जा, मैं नहीं जाता मंदिर वंदिर, मैं नहीं मानता भगवान वगैरह, क्या करेगा ये भगवान? बात समझ रहे हो सर मेरी? धर्म में हमारा ये कल्चर है, अलग कल्चर अडॉप्ट कर लिया, समझ रहे हो सर? गुरु का अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। मैं, हमारे घर में इन गुरु को माना जाता था लेकिन हमने किसी और को मानने लग गए जिस वजह से हमें दिक्कतें आने लगी। ठीक है, ये चीज है सर। अगर गुरु का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो, अगर वेल्थ की दिक्कत आ रही है तो आप अलग किसी गुरु को अपनाया हुआ है, अलग किसी धर्म को अपना लिया है जिस वजह से आपको दिक्कतें आएंगी। गुरु से, अपने से बड़े से सही से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं उससे जिस वजह से आपको दिक्कत आती है। ठीक है, मंदिर धर्म स्थान पर जाकर कुछ गलत करते हैं जिस वजह से आपको दिक्कतें आती है। अगला है हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपका क्या है? थर्ड हाउस आपका हॉबी है, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस आपका डॉक्यूमेंटेशन आजकल के टाइम में जरूरी है सर। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन भी है, कई चीजें हमारी ऑनलाइन ही चल रही हैं, इसलिए थर्ड हाउस हम लोगों का आप ही के टाइम पर थर्ड हाउस हमारा काफी बढ़ गया। जब से कोरोना काल गया जब से तो थर्ड हाउस काफी, जिनका स्ट्रोंग रहा है तो अच्छा ही काम किया है सर। थर्ड हाउस पर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो इसका मतलब आपको ऑनलाइन काम नहीं फलेगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऑनलाइन काम करूं तो इसका मतलब जो भी प्लेनेट थर्ड हाउस के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे जाया जाएगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना सर? उसको कैसे ट्रीट करेंगे आगे? पहले तो अभी एस्पेक्ट निकालना है, सब कुछ निकालना है, अभी तो एक समझने की बारी है सर, अभी यहाँ पर हम लोगों की। ठीक है ना सर? एग्जाम्पल के लिए, कई बार थर्ड हाउस पर पड़ा हुआ हिट अच्छा भी होता है सर। थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में, क्योंकि थर्ड हाउस है आपका ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, नाइन्थ हाउस से थर्ड हाउस के ऊपर नेगेटिव हिट पड़ गया है, बच्चे का चार्ट है, तो अब ये नेगेटिव हिट अच्छा है या बुरा है सर? अब ये नेगेटिव, नेगेटिव तो हाँ बुरा जी, ही नेगेटिव ही होगा मैडम। अच्छा है। अच्छा थर्ड हाउस, थर्ड हाउस क्या है सर? मैंने बोला ऑपोजिट सेक्स का हो जाता है हमारा। जी एग्जाम्पल के लिए मेरे बच्चे के चार्ट में सर ये थर्ड हाउस है, हाँ जी सर, ये वीनस है, 180 का हिट मारेगा, डिग्री जी वगैरह भी जानेंगे बात, 180 का मारेगा सर। सर मैं क्या चाहूंगी माँ होने के नाते कि ऑपोजिट सेक्स से थोड़ा दूरी रहे मेरा बच्चा, यही चाहूंगी ना? यूं तो नहीं चाहूंगी कि हाँ दूसरे लोगों के पास जाए मेरा बच्चा, ऐसा तो जी नहीं चाहूंगी सर। तो ये हिट यहाँ पर अच्छा कंसिडर किया जाएगा, यही नेगेटिव हिट कई जगहों पर अच्छे भी माने जाते हैं। मैम, लेकिन वीनस तो खुद रिलेशनशिप का कारक है। रिलेशनशिप का कारक है,
लेकिन इसी वीनस ने यहां पर मारा है क्या, वाले रिलेशन यानी कि बना पाएगा, ना नेगेटिव कर दिया उसको। नेगेटिव कर दिया ना सर उसको। और सर हम जिसका हम इंडियन में है, इंडियन है तो हम लोग तो कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी सी सोच तो है ना कि हम अपनी बेटी को क्या जाने देंगे या फिर वैसे करके सोचेंगे। ठीक है सोच चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी इतनी चेंज नहीं हुई है कि हम बच्चों को किसी के भी साथ जाने देंगे। ठीक है कहीं जगहों पर ये नेगेटिव एस्पेक्ट अच्छे भी काम करते हैं कहां पर, और अभी आगे चीजों को क्लियर भी करूंगी सर मैं आप लोगों को। और मैम 7th हाउस भी तो कंसिडर करते हैं अपोजिट सेक्स के लिए। बिल्कुल कंसीडर कर लेते हैं मैम, बात कहाँ की हो रही है, 7th हाउस की जब बात हो रही है शादी की बात हो रही है वहां पे, अच्छा। बात समझना दोनों बातों में फर्क आ जाता है, शादी से पहले और शादी के बाद दोनों बातों का फर्क है। वो बॉयफ्रेंड है अब शादी है वो, इस चीज को मैडम समझना। ये थर्ड थर्ड हाउस का कारक इसमें कौन होता, थर्ड हाउस का कारक? हाउस का जो सर हम लोगों का यहाँ पे कारक हो जाएगा मंगल, मंगल सर मंगल। मंगल हो जाएगा, और मंगल की मंगल राशि, मैडम मंगल की राशि हो और राहु बैठा हो तो? तो थोड़ी सी सर बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। अगर बच्चा छोटा है, बात समझना सर यहाँ पर मेरी थोड़ी सी, जिसके भी चाट में अगर वो बच्चा छोटा है, अगर उस पर वो स्थिति आई थी कि वो मरते मरते बच गया था, अब सर मंगल अच्छा काम करेगा। अगर नहीं, वैसे तो भगवान शिव की कृपा इस पर है, मंगल यहाँ पर राहु अब अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ कहीं से पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल जाता है तो वो गलत संगत में भी जा सकता है। मैडम राहु बैठा हो और मंगल का एस्पेक्ट जा रहा हो 9th से, तो नाइन से अब सर सपोर्ट मिल, सपोर्ट मिल लिया या? नहीं सर, अब कटेगा सर यहाँ पर, और कोई प्लेनेट सपोर्ट दे रहा हो तो नहीं जानते सर, हो सकता है कहीं पर कोई प्लेनेट बैठ के 30 का एस्पेक्ट बना रहा हो, कोई 120 का बना रहा हो, कोई 60 का बना रहा हो, इसने तो दिया। फिर भी आप बोल रहे हो बच्चा है इस तरीके में, एग्जाम्पल के लिए सर, फिर भी आप बोल रहे हो बच्चा है इस तरीके में, तब हम लोगों ने क्या देखना है, कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो उसे 30, 60 या 120 का एस्पेक्ट दे रहा है, जिस वजह से बच्चा यहाँ पर जा रहा है सर। यहाँ पर फिर हम लोग सर इतना देख लेंगे अपना ठीक है ना सर, फिर यहाँ पर हम लोग ये चीज देख लेंगे। अभी आगे और भी चीज क्लियर करूंगी सर, ये हमारी बुद्धि भी है, बुद्धि भी भ्रष्ट होती है कई बार, यही आपका एडिक्शन भी है, ये भी भ्रष्ट होता है। अभी क्लियर करती हूँ बस, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती जा रही हूँ। कई बार यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहे होते हैं तो वो भी कई बार काम करते हैं, क्योंकि ये सर अफेयर है। ठीक है सर, लव अफेयर में फंसना यही है हम लोगों का। आगे बढ़ती हूँ सर, 4th हाउस मैम ये तो किसी भी एज में हो सकता है फिर। मैम नेगेटिव है सर। अब हमने जो काम करना है किसी भी एज से हमें मतलब नहीं है ना, बात ये है ना कि सामने वाला दिक्कत क्या लेकर आया है, दिक्कत क्या लेकर आया सामने वाला व्यक्ति आया, बच्चा ना लव अफेयर में ज्यादा फंसा हुआ है, लव अफेयर में ज्यादा फंसा हुआ है। यहाँ पर 5वें घर की बात हो रही है सर, 5वें घर की बात हो रही है, लव अफेयर में ज्यादा फंस जाता है बच्चा बार बार, या दूसरों को देखकर उनके प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, दूसरों के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, 3रे घर की बात हो रही है सर, लव अफेयर में फंस जाता है, 5वें घर की बात हो रही है सर। 5वें घर पर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से बच्चा कौन उकसा रहा है, बात समझना सर कौन उकसा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मरकरी ने 5th हाउस के ऊपर 60, 30, 120 का एस्पेक्ट दे रखा है सर, कौन उकसाएगा सर, दोस्तियार। ठीक सर ये उकसा रहे। अब इसी को हमने क्या करना है, नेगेटिव में परिवर्तित करवाना होता है। कहीं जगहों पर ऐसा नहीं है हर जगह पर पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई जगहों पर गलत भी काम कर रहे हैं, इस चीज को भी समझना। 4th हाउस पर आ रही है सर, सर 4th हाउस है आपकी मन की शांति, नेगेटिविटी। ठीक है,
पीस ऑफ माइंड ना मिलना, मुझे प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आ रही है, मुझे व्हीकल लेने में दिक्कतें आ रही है, तो इसका मतलब आपके फोर्थ हाउस में कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना मैम। जिस माँ की सेहत खराब रहती है इसका मतलब आपके फोर्थ हाउस पर नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से मदर को भी दिक्कतें रहती हैं। फोर्थ हाउस के ऊपर जब भी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट 45, 90, 180 का होगा, तो आपको दिक्कतें आ रही होंगी, ठीक है ना सर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए पांचवा घर, मेरी जब भी एंगेजमेंट वगैरह कुछ होती है ना, जब भी टूट जाती, ठीक है, लव अफेयर से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, अगर इसके ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो बच्चा लव अफेयर में नहीं फंसेगा। हाँ, अगर नेगेटिव हो जा रहा है सर। नेगेटिव, फिर पॉजिटिव काम कर गया सर हमारा, फिर वो हमारा पॉजिटिव काम कर गया, कहने का मतलब ये। अगर यहीं पर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा तो प्यार रहना, बच्चा लव अफेयर में जाएगा जाएगा। मेरी एंगेजमेंट टूट जाती है, एंगेजमेंट पांचवा घर, सेम इसी तरीके से मेरी हीलिंग नहीं हो रही है, हीलिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब पांचवा घर डिस्टर्ब है सर, इस वजह से ही हीलिंग नहीं हो पा रही है आपकी। पांचवे घर पर नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, कहीं पर भी उस पर होगा। शेयर मार्केट से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब आपका पांचवे घर में डिस्टर्ब है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर मेरा मन नहीं करता शेयर मार्केट वगैरह खेलने का, तो इसका मतलब वहां पर उस पर हिट लगी हुई है, इस वजह से मन नहीं करता। जब भी शेयर मार्केट का काम करता हूं मुझे दिक्कतें आ जाती है, तो इसका मतलब वहां पर नेगेटिव हिट जिस वजह से आपको दिक्कत है, ठीक है सर। बड़े बच्चे के साथ मेरी नहीं बनती, पांचवा घर ही है, बड़ा बच्चा आ गया सर इसमें मेरा। बड़े बच्चे के साथ मेरी नहीं बनती है, जितना मर्जी किसी के साथ प्यार से बातें कर लूं लेकिन मुझसे होता ही नहीं है, वो मेरी बात को सही नहीं लेते हैं। प्यार से बात करना, प्यार ना सर, प्यार की बात हो रही है यहाँ। प्यार से जितना मर्जी किसी से बात कर लूं लेकिन लेते नहीं है उस तरीके से, इसका मतलब इसके ऊपर आपका नेगेटिव एस्पेक्ट जिस वजह से दिक्कतें हैं। आगे मैम छठा घर, छठा घर रोग रिपूर्ण, और साथ ही साथ क्या है मैम, पेमेंट रिकवरी। सिक्स हाउस पर यदि नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आपको पेमेंट रिकवरी की दिक्कतें आएंगी, तो आपको पेमेंट रिकवरी की दिक्कतें आएंगी। मुझे जॉब नहीं मिल रही है, इसका मतलब सिक्स हाउस पर नेगेटिव हिट है। मुझे हेल्थ इश्यू है, इसका मतलब आपके सिक्स हाउस पर पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से आपको हेल्थ इश्यू है। सर समझे हो मेरी बात को, सिक्स हाउस पर पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू आ रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट है जब भी तो आ रहा है मैम, नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो वो तो काटेगा, इसका दिक्कत दिक्कत मैडम, तो खत्म करेगी ना सर। इसका मतलब ये है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नेगेटिव आस्पेक्ट क्रिएट करा जाए मैडम। क्रिएट करवाया जाएगा, हर वक्त बुराई खराब भी नहीं होती, हर वक्त सर। लोन लेना ना सर, देखो लोन भी हमारा छठा घर है सर। दो प्रकार के बंदे मिलेंगे लाइफ में, मैं लोन लेना पसंद नहीं करता भाई, आजकल का टाइम ही ऐसा, जब तक मैं लूंगा नहीं लोन तो मैं और चीजों में कैसे आगे बढ़ूंगा। लोन आपको इजीली मिल रहा है ना सर, तो इसका मतलब सपोर्ट है। आप लोन लेने में आपको दिक्कत आ रही है ना सर, इसका मतलब कोई नेगेटिव हिट सिक्स्थ इजी पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, क्योंकि लोन छठा घर, इसी वजह से सर। उसका मतलब मैडम जो लोन जिसको मिल चुका उसकी तो पॉजिटिव हिट है, हाँ या वो नेगेटिव पॉजिटिव हिट वर्क। है, नेगेटिव हिट है तो आपको लोन मिलने में सर दिक्कत है यार, पॉजिटिव हिट है तो आपको इजीली मिलेगा ना सर सिक्स हाउस के काम, तो फिर तो बीमारी भी इजीली आएगी, जॉब भी इजीली मिलेगी, सब चीज इजीली होनी है, वो तो मेन बात है सर। हाँ जी इसका मतलब ये मैडम, जिसको लोन मिल चुका है उसे हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही, तब नेगेटिव हिट क्रिएट कराया जाए उस पर।
बिल्कुल सर, बोल सकते हो इस तरीके से। मैं अब बात वही आ जाती है ना सर, सामने वाला क्या दिक्कत क्वेश्चन क्या है, लेकर क्या आया, दिक्कत क्वेश्चन? क्या है, 100 बात की एक बात सर दिक्कत क्या है। पता है सर क्या करेंगे, दशा में भागेंगे, अंतर दशा में भागेंगे, ट्रांजिट पे भागेंगे, ठीक है जाना जरूर, लेकिन सीधा अगर मैं सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आया तो किसी परेशानी में आएगा सर, उसको तो कोई शौक नहीं लगा कि मेरे पास आए हो। ठीक है, सीधा व्यक्ति ने एक प्रश्न बोला है, आपके दिमाग में ये खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई कहाँ का प्रश्न कर रहा है। सर मैं आपके पास आती हूँ और आपको बोलती सर मेरी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, तो आप क्या करेंगे सिक्स सर? मेरे सिक्स सिक्स हाउस हाउस पर पॉजिटिव हिट को देखेंगे, कौन सा है ऐसा सपोर्ट इसको है जो इसकी बीमार इसको इतने अच्छे खूबसूरत तरीके से एक्टिव कर रहा है, तो उसी हिट को आप नेगेटिव में ट्रीट करवाएंगे सर मेरी। हाँ ठीक मैडम, है, अभी अभी तक जो देखा उसमें तो एक ही पॉजिटिव क्रिएट करा जाए, लेकिन अब थ्योरी देख थोड़ी लेकिन क्लियर हो, नेगेटिव भी कराना क्लियर हो रही पड़ा। है सर। सर देखो कोई थ्योरी वो नहीं सर, इतनी तो एज हम लोगों की भी है, क्या गलत है क्या सही है हम लोग समझ सकते हैं। जी अगर खुद ही आप देखो, अगर कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट है तो उसको वो तो दिक्कत से बचाएगा ना सर, छठा घर है हाँ बचाए, ना सर, बचाएगा ना, वो तो पॉजिटिव हिट आएगा जब भी तो उसे दिक्कत देगा, वो जब भी तो उसे दिक्कत देगा, बस बात इतना सा है, हमें इसको जब समझ लेते हैं तो चीज क्लियर हो जाए। मैडम सिक्स हाउस से सर्विसेज भी देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है सर मान लिया आप जॉब कर रहे हैं कुछ, जी, वो भी सब इसी में आती है सिक्स हाउस में। सर्विस जॉब आपका इसमें आएगा, ओला उबर की सर्विस हो गई आपकी, या आजकल स्विगी जोमेटो, ये भी आपके इसी में सर्विस, किसी भी प्रकार की सर जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये भी एक प्रकार की सर्विस जिसमें आप वेंडर हो और सामने वाला है। कस्टमर जी है। जी 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 ये भी एक प्रकार की हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस रिलेटेड चीजें बोल सकते हो सर यहाँ पर, है ना, सर्विस रिलेटेड चीजें यहाँ पर बोल सकते हैं, सेवा करना 6,000। कैन अब सर सर्वेंट से मुझे दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब नेगेटिव हिट है, मेरा सर्वेंट ना मेरे साथ बहुत अच्छा है, बात समझना सर, मेरा सर्वेंट ना जी मेरे पॉजिटिव साथ बहुत अच्छा है तो इसका मतलब क्या है सर, मेरे 6 हाउस पर है। पॉजिटिव हिट है ना सर, हमारे ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसलिए मेरा सर्वेंट मेरे साथ बहुत अच्छा है। ठीक है सर, मुझे पेट एनिमल से डर लगता है, काट ना ले मुझे, नेगेटिव मैं नहीं डरता जानवरों से, ये चीज है सर। ठीक सर आगे बढ़ू, जी आगे आगे अब हम लोगों का आ जाता है सर आपका 7th हाउस। सर 7th हाउस क्या होता है, आपका पार्टनरशिप होता है, आपकी शादी भी होती है, आपका दूसरा बच्चा भी होता है सर, डेली की सेल परचेज भी 7th हाउस से देखी जाती है। कोई व्यक्ति आया सर, क्या मैं पार्टनरशिप कर लूं? सर आपने देखा उसके 7th हाउस एंड 7th हाउस लोड पर ना नेगेटिव एस्पेक्ट आ रखी है और काफी ये वाली आ रखी है, पता है दिक्कत ज्यादा दे जाएगी, तो आप क्या करेंगे? उसको फिलहाल तो मना ही कर देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा आप पार्टनरशिप में काम ना करें, ठीक है ना सर? हाँ तब भी व्यक्ति बोल दिया कर दिया हमने, तो कर दिया हम लोगों ने तो पार्टनरशिप, तो ठीक है हमारे पास ट्रीटमेंट है, वो आगे हम ट्रीटमेंट कर लेंगे सर, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी को ये तो नहीं बोल सकते ये हिट आ रहा है तो तू शादी मत कर भाई, व्यक्ति बोलेगा शादी तो करनी है सर, ऐसा तो नहीं शादी नहीं करेगा बेचारा, शादी तो करेगा मेरे एक ना बोलने से शादी की, लेकिन ठीक है हम लोगों को कहीं ना कहीं उसमें संभल कर चलना पड़ेगा कि हमारी शादी सही रहे। 7th हाउस से रिलेटेड दिक्कतें आपको आ रही हैं तो इसका मतलब 7th हाउस के ऊपर 45-90 दिक्कतें आ रही, 180 का हिट है सर जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही। जिस भी प्लेनेट ने हिट मारी है, एग्जाम्पल के लिए सर मंगल ने हिट मार दी, मंगल ने हिट मार दी, मंगल की एक राशि लिखी है 4th हाउस में, मंगल की राशि होती है 1 और 8 सर, जी मंगल की एक राशि लिखी है 4th हाउस में, जी तो सर किसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी? मदर की वजह से दिक्कत आ रही होगी। एग्जाम्पल के लिए मंगल की कोई राशि लिखी हुई है ये 9th हाउस में, किसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी सर? फादर की वजह से। फादर की वजह से दिक्कत आ रही होगी। 10th में कोई चली गई, क्या आपके प्रोफेशन की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं क्या आप दोनों के बीच में?
सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। क्या पैसों को लेकर कोई बात हो जाती है क्या? ठीक है ना सर, वो आगे हम लोग समझ लेंगे चीजें, ठीक है ना सर। अब सर इसी तरीके से आगे आपका 8th हाउस, अगर आपके 8th हाउस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा सर, आपको पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आएगी। अगर यहीं पर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा तो सर आपकी आयु लंबी कर देगा, आयु लंबी कर देगा और आपकी पीड़ा भी बढ़ा देगा। समझ रहे हो सर मेरी बात को? यही यहाँ पर कोई 8th पर पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, यही पीड़ा भी बढ़ा देगा और यही आपकी आयु भी अच्छी कर देगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रही हो सर? हमने सुने ही है सर, फॉर्मूले यही लगते थे हमारे में, उन्हीं की बातें कर रहे हैं। माइनस प्लस उस तरीके, यही तो फॉर्मूले करते थे सर हम लोग, अभी भी तो सर हम लोग यही सब बातें कर रहे, ठीक है ना सर। ये चीजें इस चीज को बढ़ा देगा, लेकिन कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, मुझे ना पैतृक संपत्ति की दिक्कतें आ रही है, ऑकल्ट में मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो इसका मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है ना सर, क्योंकि ऑकल्ट आपका 8वें घर आ जाता है। सर मेरा पीएफ का पैसा नहीं आ रहा, टैक्सेस है, मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से बोला मैम आप लोगों ने। नहीं। अच्छा सर आपका पीएफ का पैसा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से दिक्कतें आ रही, ठीक है ना सर। सर यही चीज जो आपकी आ जाती है, ससुराल वालों से दिक्कतें आ रही हैं, तो नेगेटिव एस्पेक्ट है सर, इस वजह से ससुराल वालों से, सही मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस वजह से ससुराल वालों से दिक्कतें आ रही है सर। मैडम, अगर इसमें कोई पॉजिटिव ग्रह हो आपके, हाँ जैसे कि चंद्रमा हो, वैसे मैंने सूर्य को देखा है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, तो सूर्य को देखा तो मतलब उनके फादर जो है ना कम एज में चले जाते हैं, मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन देखी। अच्छा बैठे हुए की बात सर? हाँ मैडम, जैसे हाँ बैठे। कई बार सर फिर उस जगह पर हम लोगों का सर थोड़ा सा ना साइन भी मैटर कर जाता जी है, साइन मैटर कर जाता है, आगे पीछे की चीजें मैटर कर जाती है हम लोगों की ना, ये चीज हो जाती है। आपको ऐसा पैसा आराम से मिल रहा है जो आपने नहीं कमाया, तो इसका मतलब कोई ना कोई सपोर्ट है आपको, तभी आपको बिना कमाया पैसा मिल पा रहा है। अगर ये होगा ना तो बिना मेहनत कमाया पैसा आपको नहीं मिलेगा सर, टैक्स भी है यही। अगर जो व्यक्ति 8वें घर का काम कर रहा है ना, जिस भी घर का आप काम करते हैं सर, आता हम लोगों का 1 से 12 घरों में ही है, उस घर के साथ ईमानदारी बरती है, टैक्स की चोरी ना करें। अगर आप 8वें घर की कमाई खा रही हैं, टैक्स अपना टाइम टू टाइम पे करें, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जिस भी घर के आप काम करते हैं, पता है उस घर की वजह से आपकी दाल रोटी चल रही है, उस घर की वजह से आपकी चीजें भी अच्छी हो रही है, तो उस घर के प्रति ईमानदार रहिए, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं सर, पीड़ा है मैम, आपकी। मैम एक क्वेश्चन है मैम, अगर पैतृक संपत्ति के लिए केस चल रहा है, 8th और 6th दोनों पे हिट देखेंगे? 8th पर देखेंगे मैम, पैतृक संपत्ति की बात हो रही, केस, हाँ बिल्कुल। अब आपने बोला केस भी चल रहा है, केस 6th हाउस, तो फिर दोनों हाउस को कंसिडर करेंगे। अब इसी में एक बात और भी बोलूंगी शिक्षा मैम, कौन सा व्यक्ति है जो केस जितवाने में मेरी मदद करेगा सर? ये व्यक्ति मदद करेगा, जहां से हिट आ रही है, कौन सी है सर? 30-60 पॉजिटिव। पॉजिटिव। कौन सा व्यक्ति है जो मुझे बोलेगा इसको नहीं मिलना चाहिए? ये जिनकी नेगेटिव व्यक्ति है। कहेगा मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये व्यक्ति मुझे हरवाना चाहता है, ये मदद करेगा मेरी जीतने में सर। अगला घर है सर आपका नोवा घर। सर नोवा घर आपका भाग्य भी है, नोवा घर आपका हायर लर्निंग भी है, नोवा घर आपकी कंसल्टेंसी भी है सर। सर सलाहकारी का काम हमारा किया जाता है,
सर जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में होते हैं ना, अगर हम कंसल्टेंसी की फील्ड में है ना सर, तो हम लोगों को ना अपना ना पांचवा और नौवा घर दोनों को सुधार कर चलने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी सर? सर एक तो हम सलाह देंगे, फिर सामने वाला बोलेगा इसको ठीक करने के लिए कोई रेमेडी बताइए। आपके द्वारा बताई गई रेमेडी लोगों को नहीं लग रही, नहीं लग रही, तो इसका मतलब आपके फिफ्थ हाउस लोड पर ये है जिस वजह से दिक्कत है सर। मैं सलाह तो काफी अच्छी देता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं बातें भी अच्छी पकड़ लेता हूँ, लेकिन जब रेमेडी की बात आती है तो लोग बोलते हैं काम नहीं बना। बात समझ रहे हो सर मेरी? इसका मतलब यहाँ पर दिक्कत है। अब सर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, मैं आपके पास आई सर, मैंने बोला मुझे ना ऐसे करके दिक्कत है, वैसे दिक्कत है, आपने बोला चल ऐसा कर, ये चीज कर दे। सर आपने बोला मैंने कर दिया, इसका मतलब मेरा फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा है, मेरे फिफ्थ हाउस के ऊपर ये है, किसी ना किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट है ऐसा, जिस वजह से मैं ऐसे रेंडमली भी बोल दूंगी रेमेडी के रूप में तो वो लोगों को दुआ के रूप में काम आ जाएगी। ठीक है सर। दसवा घर सर, सर दसवा घर है आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन में भी सर आपका ऑल ओवर कर्मा आपका दसवा घर हो जाता है सर। यहाँ गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही है, स्टेटस में दिक्कतें आ रही हैं, मेरी प्रमोशन होने में दिक्कतें आ रही है, तो इसका मतलब सर मेरा 10th हाउस डिस्टर्ब है, जिस वजह से मुझे ये सारी दिक्कतें आ रही हैं सर। डिस्टर्ब कैसे होगा सर हम लोगों का यहाँ पर? इसकी वजह से डिस्टर्ब होगा, इसकी वजह से सर फायदा उठाऊंगी। मुझे प्रमोशन पानी है तो मुझे इसका फायदा उठाना पड़ेगा और इसको टालना पड़ेगा। प्रमोशन में भी देखना पड़ेगा कौन करा सकता है। कौन करवा सकता है सर? ये करवा सकता है सर? कौन है जो नहीं चाहता आपकी प्रमोशन हो सर? ये है, ये नहीं चाहता कि आपकी प्रमोशन, ये नहीं चाहता कि आपका एक स्टेटस बन, ये आपकी मदद कर देगा सर स्टेटस बनाने में, प्रमोशन करवाने में। ठीक है ना सर, ये चीज हम लोगों की यहाँ। अब है सर आपका 11वां घर, तो 11वां घर हमारा क्या हो जाता है सर यहाँ पर? 11वां घर है आपकी इच्छा पूर्ति, लाभ होना सर, प्रॉफिट गेन है सर हम लोगों का, है ना सर? प्रॉफिट गेन है आप लोगों का। अगर यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, आप चाहते हैं इस साल मैंने इतनी ग्रोथ करी थी, अब मैं इससे ज्यादा ग्रोथ करूं, ग्रोथ कौन करवाएगा सर? जिसका ये वाला एस्पेक्ट होगा, ये करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी इच्छा पूरी होने में दिक्कतें आ रही होंगी। अगर आप इससे जुड़ गए तो, इससे जुड़ोगे ये आपकी ग्रोथ करवाएगा सर। कई बार सर लोग आपने ऐसे देखे होंगे, 45 कीट को मानना, बोलते थे मैं तेरा सही करूंगा सही करूंगा सही करूंगा, लेकिन वही कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाते होंगे सर, मतलब पीठ में छुरा घोंपना, इस तरीके का काम कर जाते हैं जिस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। वो 45, इस वजह से 45 की हिट को बोला जाता है। कैसा दर्द है सर? चींटी के काटने जितना दर्द, इस वजह से 45 की हिट को बोला जाता है। और इस प्लेनेट का हमेशा, चाहे रास्ता कई बार हमें नहीं मिलता है इसकी शिफ्टिंग का, जो हम आगे जानेंगे सर, 45 की शिफ्टिंग का रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन रास्ता मिल भी जाता है तो भी हम उस चीज का दान करेंगे। पैंतालीस को किसलिए? लेके कहाँ हो ये सही, 45 लेके भी नहीं जा बिल्कुल सकते आगे। सर, कई बार ना मिल जाता है, कई बार सर नहीं मिलता, उस सिचुएशन में सर हमें बचना है, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो मेरे साथ में ही बैठा है। ठीक है सर, ये मेरे साथ में ही बैठा है बिल्कुल, मुझे पता है, सामने से तो बोल रहा है तू कर लेगा, लेकिन पीठ पीछे तो यही चाहेगा हो ही ना, ये बिल्कुल मेरे साथ में बैठा है सर, ये मैं बैठी हूँ, ये भी ये बैठा है या बैठी, जो भी, सामने से तो बोल रहा है तू कर, लेकिन मेरी पीठ में छुरा घोंप रहा है सर, ये चीज है सर। कहने का मतलब सर, ना चाहे ना उगलते बनता ना निकलते बनता, ये वो हिट है सर जो मुझे दर्द भी देती है सर। यही चींटी हाथी के कान में घुस जाए तो बहुत तहलका मचा देती, ये वो हिट है। चींटी के काटने जितना दर्द बोला गया है सर मैंने यहाँ।
वो दिक्कत दे देगा। अब है सर हमारा 12वां घर, यही 12 घर है हमारे, 12वां घर। सर 12वां घर है आपके बेड पे, सर कोई व्यक्ति आ गया, इससे संबंधित दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को, ठीक है? तो इसका मतलब वहां पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है सर, ठीक है ना सर? इस वजह से दिक्कतें आ रही है, मुझे इन्वेस्टमेंट की दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब वहां पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से सर हमें दिक्कत आ रही है। खर्चे बड़े हुए हैं, खर्चे बड़े हुए हैं सर, प्लीज जवाब दीजिए, पॉजिटिव हिट है नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट हिट? है, बढ़ेगा मैं तो अपना पॉजिटिव, सर, पॉजिटिव है ना, हाँ बिल्कुल इसीलिए मैं, वो अब सही पॉजिटिव पकड़ा कर रहा है, है ना। अब सही पकड़ा है आपने ना, मैं इसीलिए बात को घुमा रही थी और आप लोगों से पूछ रही थी कि आप मुझे क्लियर कीजिए क्या हित बढ़ा हुआ है सर। क्योंकि वो ज्यादा खर्चे कर रहा है तो पॉजिटिव खर्चे बड़े हुए हैं, बात समझ ना है। सर, सामने वाले ने बात क्या बोली है? पॉजिटिव को ट्रीट करवाने आ रहे हैं, नेगेटिव को ट्रीट करवाने के लिए? सर इसी वजह से ट्रीटमेंट तो करते हैं, व्यक्ति कहता है आराम नहीं आया, ट्रीटमेंट क्या करना है, सामने वाले की बात को सुनना है, समझना है, ठीक है ना सर? समझना है उसकी बात को, उसके बाद हम लोगों ने ये चीज करनी है। सर ये हुए मेरे 12 घर, 12 घर सर, 9 ग्रह, 12 घर, कोई भी दिक्कत है तो सर प्लीज एक बार बोल दीजिए मुझे। सेम इसी तरीके से सर थोड़ा सा आगे, हर एक घर के ना सर हमारे पास कारक होते हैं, जो फर्स्ट हाउस का कारक है, तो कारक लिख देती हूँ सर, राशि आपकी वहां पर जो मर्जी पड़ी हुई है, मैम एक डाउट आ रहा है मैम, सपोज 6th हाउस पे पॉजिटिव एस्पेक्ट है और बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, तो उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हमें जो है पेमेंट रिकवरी बहुत इजीली हो रही है पॉजिटिव एस्पेक्ट होने की वजह से, हाँ तो मैं तो क्या, जहां या तो हेल्थ ले लो या वेल्थ ले लो, अब आपके ऊपर है क्या लेना चाहते। मैम ऐसे में तो क्लाइंट फिर कहेगा कि फायदा क्या हुआ कि एक चीज अब ठीक कर मैम, दी। ये चीज तो चलती है, ये चीज तो आप असल की जिंदगी पर भी अपना लेना, ये चीज तो चलती है। अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ जा रही है, वेल्थ अच्छी है तो हेल्थ जा रही है। कमाने के लिए जब व्यक्ति को पता है ना पैसा अच्छा आने का टाइम आ गया है, तो व्यक्ति दिन रात एक कर देता है मैम, और जब व्यक्ति दिन रात एक करता है ना कहीं सेहत पर इफेक्ट आता है। इसलिए ये दोनों बहनें हैं साथ-साथ चलती है, ठीक है? मैम फर्स्ट हाउस का कारक होता है आपका सन, ठीक है? सेकंड हाउस का कारक होता है आपका जुपिटर, थर्ड हाउस का कारक होता है सर आपका मार्स, मून, जुपिटर, जुपिटर हो जाएगा सर हम लोगों का यहाँ पर, सैटर्न, सैटर्न हो जाएगा सर यहाँ पर हम लोगों का, वीनस, वीनस हो जाएगा सर यहाँ पर हम लोगों का कारक, केतु, नहीं अच्छा सर सॉरी सैटर्न ही है, सैटर्न सैटर्न, आएगा, हाँ हाँ सैटर्न सही कह रहे हैं सैटर्न, आएगा इसमें यहाँ पर हम लोगों का, जुपिटर, सर जुपिटर आ जाएगा यहाँ का कारक हम लोगों का, सैटर्न, सन, सैटर्न, सन, सन. दोनों आ जाएंगे सर हम लोगों जुपिटर, सैटर्न आ जाएगा। सैटर्न, इनके साथ में आपका कैसा संबंध है? फिफ्थ हाउस की दिक्कतें आ रही है, ठीक है फिर चेक करेंगे बात की बातें। जुपिटर की बात करूं मैं तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है, कारक के रूप में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका स्पाउस और आपके बच्चे, आप कहने का मतलब आपका हस्बैंड और आपके बच्चे, हस्बैंड और बच्चों के साथ में कैसा रिलेशन है आपका? क्या बच्चे को किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं? हस्बैंड को किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं? अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो जुपिटर, जहां भी सेविंग्स की दिक्कत आ रही है सर, तो दो कारक तो वही है ना सर, देखो बच्चे और हस्बैंड, आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं जिस वजह से दिक्कतें आ रही है, ये लेकर आ रहा है। मदर के साथ में आपका कैसा रिलेशन है? या पानी को ज्यादा बर्बाद करते हो क्या जिस वजह से दिक्कत है? सेम सारी चीजें सर उसी में ही कन्वर्ट हो जाएंगी आपके प्लेनेटों के बीच में। मंगल ब्रदर आ जाएगा सर आपका, भाई के साथ में कैसा रिलेशन है आपका यहाँ पर? पिता के साथ में कैसा रिलेशन है सर आपका यहाँ पर? वीनस वाइफ आ गया सर, वाइफ के साथ में कैसा रिलेशन है आपका यहाँ पे? सैटर्न लेबरों के साथ में कैसा है आपका? अपने सर्वेंट के साथ में अच्छे से नहीं बातचीत करते?
बड़े भाई बहनों के साथ में कैसा है आपका? ये चीजें सर हम लोग यहाँ पे ले लेते। जुपिटर सर सेम बात आ गई, सर सन आ गया, सैटर्न आ गया, सेम चीज आ जाएगी सर यहाँ पर, ठीक है ना सर? इसमें मैडम मरकरी नहीं है कहीं भी। नहीं सर, मरकरी को नहीं, द्विसभा ड्यूल प्लेनेट है हम लोगों का, ना राहु और केतु मैडम ठीक? दोनों वो नहीं। नहीं नहीं लिए सर, इन्हीं प्लेनेटों को घुमाया गया सर। सैटर्न सेम आपको बताया, लेबरों से और वैसे करके, ठीक है सर? कोई भी डाउट सर अभी की क्लास को लेकर तो बोलिए, नहीं मैडम कोई ऐसा नहीं डॉक्टर। ठीक है? बाकी का सर कल करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैडम मैम कब तक रहेगी, मतलब कौन कौन से डेज रहेगी? सोमवार से वीरवार 7 बजे। ठीक हाँ मैडम, एक प्रॉब्लम, एक ना सॉफ्टवेयर के लिए आपसे बात हुई थी ना पहले, सॉफ्टवेयर का जो भी चार्जेस हो, क्योंकि हम पे तो एस्ट्रो सेज है। मैं 1 मिनट सर, सर